सीपी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सीपी सिंह जी, सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है जेपीएससी को लेकर। छात्र खतियान लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है सब बाहरी हैं। देखिए, जब सरकार की मनसा ठीक नहीं है, वैसी स्थिति में जेपीएससी के छात्रों को बाहरी कहेंगे तो ये बाहरी भीतरी कह के लड़वाना चाहते हैं। अरे भाई, झारखंड के ही बच्चे ना हैं जो जेपीएससी के परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो आप उनको बाहरी कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद का बता रहे हैं, तो इस तरह से एक मनुवादी कह रहे हैं, तरह तरह की बातें कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। तो कहीं लगता है कि मानसिक संतुलन कहीं गड़बड़ाया गया है, इसी कारण ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और चूंकि उन्हें जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को बचाना है, तो मैं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके गुनाहों को आप अपने सर पर क्यों ले रहे हैं? उनके गुनाहों की सजा उन्हें भुगतने दीजिए ना, आप उनके गुनाहों की सजा मत भुगतिए। और इस तरह से मनुवादी कहना, विपक्ष के लोगों को मनुवादी कहना किसी दृष्टि से उचित नहीं है। हम सारे के सारे लोग झारखंडी हैं और झारखंडी बच्चों के हित में बात करते हैं। जहां भी गलत होगा हम लोग तो आवाज उठाएंगे। की तरफ से कहा जा रहा है कि भाजपा के शासनकाल में इससे भी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां जेपीएससी में हुई है। यदि गड़बड़ियां हुई तो आप जांच कराइए ना, आप सरकार में है ना। यदि भाजपा के कार्यकाल में गड़बड़ियां हुई हैं तो आपको जांच कराने का अधिकार है, आपको जांच कराना चाहिए। ये बोलने की क्या बात है, आप क्यों कृपा कर रहे हैं? लेकिन आपके कार्यकाल में जो गड़बड़ियां हो रही है उस पर रोक लगाई, हम लोग तो इतना ही मांग कर रहे हैं। 2 साल के शासनकाल को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, 2 साल के शासनकाल को, मैं तो एक विपक्ष का विधायक हूँ, आप एक आम जनता राहगीर किसी से भी पूछ लीजिए कि भाई 2 साल का शासनकाल कैसा रहा, तो लोग अफसोस जताते हैं कि हम लोगों ने इस सरकार को सत्ता में बेकार लाया, अफसोस जता रहे हैं। तो अफसोस के अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 साल का के लिए आपने सत्ता में चुना है, मैंडेट दिया है, तो अफसोस करने से अब तो कुछ होगा ही नहीं, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? नहीं, हमारा स्टैंड होगा आगे देखते जाइए, स्टैंड को पहले कैसे बता देंगे। चलिए, फिलहाल इंतजार किया जाए। इनका कहना है कि सरकार ने 2 साल में कुछ भी नहीं किया है, ये आम जनता भी बता सकती है, और बीजेपी की तरफ से विरोध किया जाएगा हर स्तर पर। कैमरामैन विकास के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।